नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जा मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था बिन सेक्रेटरी का, उसके लिए कई लोगों को मैसेज आ रहा था, सर बिन सेक्रेटरी का पेपर दिखा दीजिए, कैसा पेपर हुआ था। क्योंकि जिस फील्ड में आना चाहते हैं तो जनरली क्यूरियोसिटी होती है, पेपर देखना चाहते हैं कैसा पेपर आता है डिपार्टमेंटल एग्जाम का। तो फिर मैं सोचा इसको अपलोड कर देता हूँ तो आप लोग देख लेंगे कैसा पेपर होता है। इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा एक दो दिन में, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो ये 75 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हाई कोर्ट रूल से 15 क्वेश्चन आया था, ऐसे देख लीजिए। और बेन सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बेन सेक्रेटरी जज के साथ लगे रहते हैं और ये फाइल जज को असिस्ट करने के लिए होते हैं। फाइल को जो है जैसे आपको प्रोवाइड कराते हैं कौन सी फाइल देनी है, फाइल सही होनी चाहिए, तमाम जो सेक्शन और लॉर्डशिप के बीच में रिलेशन है वो पेशकार जो है इसको फाइलों का वही देखते हैं। और वर्किंग जो है 5 डे वर्किंग होती है, क्योंकि लॉर्डशिप के साथ होते हैं तो जितना दिन वर्किंग उनकी होगी उतना दिन इनकी भी रहती है। और जो समर वैकेशन होता है पूरा इनका 1 मंथ मिल जाता है, यही सब इसमें बेनिफिट है। और 5400 ग्रेड पे की जॉब है, क्लास 1 की जॉब है 5400 ग्रेड पे, क्योंकि 4800 से आप डायरेक्ट 5400 में जाते हैं एक एग्जाम दे करके। 4800 है आरओ है, आप 5400 ग्रेड पे भी चले जाएंगे तो सैलरी में काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है 5400 से जाने पे। तो ये सब चीजें हो गई, तो चलिए पेपर देख लेते हैं। बाकी और जो कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ये देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल से आया क्वेश्चन है, ये सब आप समझ भी नहीं पाएंगे, मैं भी इतना पढ़ा नहीं हूँ हाई कोर्ट रूल क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं यही सब है। कई लोगों की जॉब अच्छी लगती है कई लोगों, क्योंकि इसमें लाइफ टाइम यही काम करना है, लॉर्डशिप के साथ रहना है उसमें वही काम करना है, लाइफ टाइम के लिए फाइल से ही जुड़े रहेंगे आप। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है तो सिलेक्शन होने के बाद भी रिवर्ट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स पोस्ट पे, जैसे आरओ है तो आरओ पे आ जाते हैं। हमेशा हर बार एग्जाम में होता है कुछ लोग जरूर रिवर्ट होते हैं, क्योंकि उसमें सेक्शन ऑफिसर बन जाने के बाद उधर थोड़ा वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि इधर अगर हैं आप बेन सेक्रेटरी है तो प्रमोशन तो इसमें भी है लेकिन एक वर्कलोड हमेशा बना रहता है। 15 क्वेश्चन हो गया वह हाई कोर्ट रूल से, और सिविल प्रोसीजर कोड से भी 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल प्रोसीजर कोड का है। इसको आप वीडियो स्लो करके आप देख सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, लेकिन जो अगर कभी कुछ पढ़े नहीं है इसके बारे में तो समझ में नहीं आएगा। मैं पूरा सेक्शन दिखा दे रहा हूँ किस किस सेक्शन से आता है। तो ये हो गया सिविल प्रोसीजर कोड, अब एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से आएगा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। इसमें देख रहे हैं कितने बड़े बड़े ऑप्शन सब दिए गए हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आप सब समझ सकते हैं, ये सब पढ़े हुए क्वेश्चन है, जो पॉलिटी का क्वेश्चन वही सब आया हुआ है, कुछ इसमें अलग नहीं है। आर्टिकल 133, 134, 134 हो किस भाग में है, 226 किस भाग में है, ये सब तो सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। फंडामेंटल राइट के बारे में आया है, इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से आई हुई है। और कंप्यूटर ऑपरेशन से है ये सब है, वोलेटाइल स्टोरेज कौन सा है, मेजर मेमोरी लार्जेस्ट मेमोरी कौन सा है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सब क्वेश्चन तो कई बार इसमें आर ओ आर ओ के एग्जाम में ये सब आया हुआ है, या आसान क्वेश्चन ये सब है। प्रोसेस ऑफ इरेजिंग डिस्क इज कॉल्ड, ये सब देख सकते हैं, सब आप कंप्यूटर पढ़े होंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। इंटरनेट है एग्जाम्पल, अनसेव्ड वर्क टेम्पोरली क्या होता है, ए बाइट कंसिस्ट ऑफ, ALU, USB क्या होता है, ये सब चीजें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड है। 75 क्वेश्चन टोटल हो गया, आप पेपर देख लिए होंगे, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता था। और बेन सिक्योरिटी के बारे में और तो सब बता ही दिया कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन किस जॉब को पसंद करता है, क्योंकि यहाँ 5400 ग्रेड पे है, इसके बाद जब भी प्रमोशन ऐसे होता रहेगा लेकिन इसमें वर्क प्रोफाइल हमेशा एक जैसी ही बनी रहेगी लाइफ टाइम के लिए आपके लिए। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशकार बोलते हैं वही यहाँ पे बेन सेक्रेटरी होते हैं। और अदर इधर जनरल कैडर में रहते हैं तो सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद यहाँ वर्कलोड कम हो जाता है तो आपके अंडर में आरओ आरओ काम करते हैं, तो यही सब चीजें हैं।
आप आएंगे यहाँ पे देखेंगे कौन सा अच्छा है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए।